नमस्कार। कर्नाटक के विधान सौदा से, कर्नाटक की विधानसभा से, राजधानी बेंगलोर से आपको चुनावी जमीन की हकीकत बतानी है और ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे जमीन पूरी तरह से खिसकती जा रही है और सर्वे आफ्टर सर्वे ये बता रहा है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और लोगों की अपेक्षाओं को, उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी। आज हर सर्वे बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की 40% कमीशनखोरी की सरकार, जिसके सामने 40 से ज्यादा बागी खड़े हैं, वो 40 पर सिमटती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लोगों ने मन बना लिया है कि अब इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की नफरत, लोगों के साथ जो धोखा हुआ है वो अब नहीं चल सकता है। जनता भ्रष्टाचार से परेशान है, जनता महंगाई से जूझ रही है, जनता बेरोजगारी से परेशान है और ऐसे में जनता एक ऐसी सरकार चाहती है जो उनकी बातें सुने, उनकी अपेक्षाओं के बारे में बात करे, उनकी जो दिक्कतें हैं उनका समाधान करे और इसीलिए जरूरी है कि कांग्रेस की सरकार बने और सर्वे आफ्टर सर्वे ये दिखा रहा है। ये विधान सौदा है और यहाँ पर सत्तारूढ़ दल जो काबिज है, भारतीय जनता पार्टी, जो चोरी से इन्होंने सरकार बनाई थी, वो कहीं ये भूल गया कि लोकतंत्र में मताधिकार का सम्मान करना जरूरी है और इसीलिए लोग अब उनको सबक सिखाएंगे। लोकतंत्र में लोगों से ऊपर ज्यादा कुछ होता नहीं है। कांग्रेस ने ऐसे तमाम वादे किए हैं जिनको हम पूरा करेंगे, एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो लोगों की प्रगति की बात करेगी, लोगों की बेहतरी की बात करेगी, लोगों के सम्मान की बात करेगी, बेरोजगारी को खत्म करने की बात करेगी, महंगाई पर नियंत्रण की बात करेगी और ऐसा कुछ जब हम करेंगे तो लोग हमें जरूर आशीर्वाद देंगे और सारे सर्वे हर ओर से यही बता रहे हैं। आपको आगे भी चुनाव की हकीकत जमीन से बताते रहेंगे। अभी के लिए इस विधान सौदा में इस वादे से जाते हैं कि जो नई कांग्रेस की सरकार बनेगी वो ट्रांसपेरेंट, प्रगतिशील और प्रोग्रेसिव कर्नाटक की फिर से नींव रखेगी।